शनिवार 29 नवंबर 2020 सुबह के 8 बजे, जगह जाबमारी गांव मैदुगुरी। ये लाशें, ये मातम, ये सामूहिक कब्रगाह और ये दिल को कचोट देने वाला मंजर अफ्रीकी देश नाइजीरिया का है, जहां मानवता को शर्मसार कर दिया गया है। यहां हुए एक आतंकी हमले में करीब 110 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने धान के खेतों में काम कर रहे खेतिहार मजदूरों को बंधक बनाकर उनके गले काट दिए। यह हमला बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी के नजदीक हुआ। इस इलाके में बोको हराम और इस्लामिक स्टेट से संबंधित आतंकी सक्रिय हैं। इस हमले को बीते कुछ महीनों में हुए बड़े आतंकी हमलों में सबसे भीषण हमला कहा जा रहा है। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस घटना को बोको हराम के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया है। वहीं नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने इस हमले को पागलपन करार दिया है। राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने कहा है कि मेहनतकश मजदूरों पर हुए इस हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरा देश इन शर्मनाक हत्याओं से आहत है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ चश्मदीदों के हवाले से कहा है कि अब तक 43 शव मिले हैं और सभी को चीरकर उनकी हत्या की गई है। 6 लोग ऐसे भी हैं जिनके शवों पर गंभीर जख्म हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर अब भी गायब हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए मजदूर नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी राज्य सुकोता से हैं। ये सभी करीब 1000 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मौजूदा बोर्नो राज्य में रोजगार की तलाश में आए थे। गौरतलब है कि इससे पहले दक्षिणी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में आईएसआईएस ने कहर बरपाया था। मोजाम्बिक के केबो डेलगाडो राज्य के नांजबा गांव में आईएसआईएस ने 50 लोगों की सिर काटकर हत्या कर दी थी। आतंकवादियों ने फुटबॉल के एक मैदान में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, आईएसआईएस आतंकियों ने मरने वालों के शरीर के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया था और गांव की महिलाओं और बच्चों को अगवा करके ले गए थे। आपको बता दें कि साल 2017 से अब तक यानी 3 साल में इस इलाके में इस्लामिक आतंकियों ने 2000 लोगों को मारा है। इन आतंकियों के डर से करीब 4,30,000 लोग अपना राज्य छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले गए हैं। इस हत्याकांड के बाद आतंकियों के दूसरे ग्रुप ने गांव में आग लगा दी थी। गांव के कई घर जलकर खाक हो गए थे। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इन आतंकियों ने कई गांवों पर हमला करके लूट मार की थी। मोएडा जिले के सरकारी अधिकारी के मुताबिक पुलिस को घटना के बारे में तब पता चला था जब लोगों ने जंगल में शत विशत लाशें देखी थी। 500 मीटर के दायरे में उन्हें करीब 20 लाशें दिखाई दी थी। सूत्रों के मुताबिक बाइक पर चलने वाले ये आतंकवादी जाबमारी इलाके में समांतर सरकार चला रहे हैं, जिन पर किसी का कोई जोर नहीं है। वो जब चाहें जिसे चाहें अगवा कर लेते हैं और उसे अपने हिसाब से सजा भी देते हैं। किसी पर कोड़े बरसाए जाते हैं, किसी के हाथ पांव काट दिए जाते हैं, तो किसी की जान ही ले ली जाती है। इस भयानक नरसंहार के बाद सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे जबरन वसूली का गणित छुपा है। असल में इन आतंकियों ने खेत मजदूरों से हमेशा की तरह उगाही की कोशिश की थी, जिससे कुछ मजदूरों ने इनकार कर दिया था। इसके बाद बदले के तौर पर आतंकवादियों ने लोगों को अगवा कर उनकी जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।